टू माय किचन। आज मैं आपको एक टिप बता रही हूँ, वो भी भरता बनाने के लिए। जब हम बैगन भूनते हैं तो हम या तो हम गैस में भूनते हैं, तो मैंने अपने चैनल में पहले आपको माइक्रोवेव में भूनने बताए हुए हैं। आज मैं OTG में आपको बता रही हूँ, OTG जिसमें हम केक बेक करते हैं, मोस्टली हम बहुत कम यूज करते हैं उन चीज़ों का, तो उसमें आपको मैं बताऊंगी कैसे हम उसमें रोस्ट कर सकते हैं। तो उसमें बड़ी अच्छी तरह से रोस्ट हो जाते हैं और कोई मुश्किल भी नहीं होता। एक बार रख दें, 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। अगर दो बैंगन भूनने हैं अपने तो इतना टाइम ही लगेगा आपको। इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, एक बैंगन भून के दिखाऊंगी। ये देखिए, ये वाला बैंगन लिया जो हम भरता बनाएंगे इसका। तो हम पहले हम क्या करेंगे, इसको हमने साफ धो लिया पहले अच्छी तरह से। इसको हम थोड़े से कट लगाएंगे, पूरा नीचे से नहीं करना, बस जैसे बीच में से भरवा बैंगन बनाते हैं तो कट लगा देते हैं, ऐसे लगा 3 से 4 लगाएंगे हम इसमें। इससे ये होता है कि अंदर तक ये भुन जाता है। ये 2 लगा दिए, एक और लगा देते हैं। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने से ये होता है कि ये आसानी से इसके रोस्ट करने के बाद जो छिलक होते हैं आसानी से निकल जाते हैं। चारों तरफ से हम लगा दिए, तेल लगा दिया यानी ऑयल लगा दिया चारों तरफ से। और अब हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम फॉइल लेंगे और उस पर इसको रैप कर देंगे अच्छी तरह से। अब हम इसको OTG में रखेंगे। मैं आपको टेम्परेचर बताती हूँ उसका, हमने कैसे करना है। अपना प्री हीट कर लिया है 180 डिग्री पे, और ये रोस्ट और बेक वाले उस मोड में रखा जिसमें हम केक बेक करते हैं या रोस्ट करते हैं, तो सेम होता है। तो इसमें मैं अब इसको 5 मिनट, मेरा ओवन गर्म हो चुका है, अब मैं इसको इसमें रख देती हूँ। कम से कम इसको 20 से 25 मिनट लगेंगे। बीच में हम खोल के इसको देखेंगे, अगर नहीं होगा तो 5 मिनट और रखेंगे। अभी इसको हम होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा। 5 मिनट हो गए इसको रखे हुए, क्योंकि मेरा जो बैंगन था काफ़ी मोटा था, अगर लंबा होता इसमें 25 से 30 मिनट लगते हैं। तो अब मैंने बीच में से खोल के देखा था, ऑलमोस्ट ये पक गया। तो अब मैंने इसका टेम्परेचर भी थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया, यानी कि 200 डिग्री पे इसको करके कम से कम मैंने इसमें 35 मिनट पका लिया। अब हम इसको बंद कर देते हैं, फिर मैं आपको। बहुत गर्म है, हम इसको निकालते हैं। ये हमारा बैंगन अभी बहुत हॉट है, इसमें भाप से कर रही है। इसके छिलक अगर उतरने शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब ये पक गया। मैं आपको इससे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, खोल के भी दिखा देती है। तो इसको खोल के भी दिखा दिए बीच में से, बिल्कुल परफेक्टली रोस्ट हो चुका है। ये देखिए, अब जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा, अभी बिल्कुल इसमें भाप निकल रही है, तो ये जो इसके छिलक हैं ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। तो OTG का यूज कीजिए और उसमें आप इसको बैंगन को भूनिए। अगर 2 बैंगन है तो आपके 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। अगर उन दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो बीच बीच में आप देखते रहिए 20 मिनट के बाद। ये देखिए, हमारे ओवन OTG रोस्ट बैंगन बनकर तैयार है। आप भरता बनाइए या कोई और डिश बनाइए। तो अगर ये मेरी टिप आपको पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।